ज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कैसे आप लोग स्वागत है आपका अपने चैनल पर मैं स्नेहा वेलकम करती स्नेक चैनल नामी इंडियन ब्लॉगर स्नेहा तो फ्रेंड्स आज फिर से ले गई आप सबके सामने अपना इवनिंग रूटीन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो फ्रेंड्स इवनिंग का डिनर बनाने की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे उससे पहले जो है मैं बनाने वाली हूँ डिनर में भिंडी की सब्जी और टिंडे तो मैं टिंडे नहीं खाती तो इस अपने लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और भिंडी की सब्जी मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप सबके साथ में आज शेयर करूँगी तो भिंडियों का मैंने अभी धो के रख दिया है दो घंटे के लिए उसके बाद जब ये इनका पानी अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद इनको कट करूँगी तब तक क्या करती हूँ ये जो छोटे मोटे काम होते हैं मेरे इवनिंग के उनको निपटा लेती हूँ तो उससे पहले है ना मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश करके रख दिया तो ये पापा बावल लेके आए थे उसके लिए आम तो आम मैंने फ्रिज में रखने से पहले इनको धो लिया है क्योंकि ये धूप में रखे होते सारे दिन तो इनको धो के ना थोड़ा इसकी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है उसके बाद फिर फ्रिज में रख देती हूँ तो यहाँ पे मम्मी ने दूध निकाल के रख दिया था बाल्टी में तो उस बाल्टी को के मैंने नीचे रख दिया क्योंकि मैं को बर्तन वॉश करने थे अगर साबुन गिर जाता है तो दूध हो जो हो जाता है फट जाता है तो यहाँ पर के लंच बॉक्स वगैरह था चाय पानी के बर्तन थे तो मैंने कहा इनको धो लेती हूँ एक बार जो उसके बाद फिर मैं बाकी के अपने छोटे मोटे काम है वो करूँगी क्योंकि मैं एक बार किचन में लग जाती हूँ तो ना कोई ना कोई ना, कोई ना कोई, ना, कोई, ना, कोई ना, काम में समेटती हूँ और किचन में मुझे बर्तन पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं अगर मैं कोई काम कर रही हूँ खुद स्पेशली और मेरी वजह से बर्तन गंदे हो रहे हैं तो वो बर्तन मैं हाथ के हाथ धोकर रखती हूँ कभी भी मैं किचन में ऐसे नहीं छोड़ती हूँ तो अभी मैंने चाय पानी के बर्तन जो है उनको वॉश कर लिया और दो बोतल भी रखी है साथ में आप लोग देख रहे होंगे इन बोतल को फ्रिज में भर के रख दूंगी और शाम को लाइट आती है हमारे यहाँ पाँच से छः के बीच में लाइट आ जाती है दोपहर में चली जाती है तीन बजे सुबह बारह बजे आती है तो यहाँ का लाइट का रूटीन जो है वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है मतलब तीन दिन में पाँच सात घंटे लाइट भी नहीं आती है यहाँ पर तो हर चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है तो अभी मैंने पानी को भर के रख दिया जब तक लाइट आएगी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे तब तक पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने बोतलों को भर के रख दिया और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में अपने रूम में क्या करूँगी मैंने कुछ कपड़े जो वॉश किए थे उनको तय लगा के रख दूँगी और ये स्टॉल मैं आप सबके साथ में जो शेयर कर रही हूँ ये मैंने आज ही परचेज की थी हमारे यहाँ पे गली में बेचने वाला आया था तो मैंने ले ली और मतलब मैं कॉटन की स्टॉल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं काम करते करते कई बार जो है पसीना आ जाता तो इन्हीं से वॉश साफ़ कर लेती हूँ तो ये ना काफ़ी अच्छी काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी मैं मेरा, मेरा ऐसा नहीं है कि गली में बेचने आया तो कपड़ा अच्छा नहीं है ये नहीं है वो नहीं है मैं जो परचेज नहीं करना जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है क्वालिटी अच्छी लगती है उसको मैं ज़रूर ले लेती हूँ तो ये कपड़े और जो ये लाल स्टॉल जो मैंने ओढ़ रखा है एक ये लिया था और दो स्टॉल वो लिए थे तीन स्टॉल लिए मैंने आज और काफ़ी अच्छे रेट में मिल गए थे मतलब कि सेवेंटी फाइव का एक स्टॉल मिल गया था और ये वाला स्टॉल मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपने मेरे काफ़ी ब्लॉग्स में देखा होगा मैं इसको ओढ़ के रखती हूँ तो ये स्टॉल मैंने बाहर छोड़ दिया था मतलब ऐसे ही वैसे तो, तो कुर्सी पर रखती हुए कपड़े लेकिन उसको कुर्सी पर रखे ना चुन्नी से कवर नहीं किया था तो फिर चूहे ने कट कर दिया तो मैं वही दिखा रही थी कि देखिए चूहे ने मेरी चुन्नी को काट दिया तो यहाँ पे ये सूट है इसके साथ में जो बाकी के स्टॉल है ये फैला पड़ा था तो ये मैंने एंगल में नहीं टक कर रखा था तो मैंने कहा चलो इसको एंगल में टक करके कर रख देते हैं और जो स्टॉल लिया है उनको भी इसी के साथ में टक कर दूंगी क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है दो स्टॉल मेरे पहले से निकले हुए थे और एक और निकाल लिया तीन स्टॉल जो हो गए हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लूँगी वैसे तो इतना ज़रूरत नहीं है जब स्टॉल ख़राब हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँ क्योंकि ना जल्दी से यहाँ पे कुछ बेचने वाला आता भी नहीं है और स्टॉल वगैरह वैसे भी मार्केट में मैं मार्केट भी आप लोगों ने देखा कि मैं बहुत कम जाती हूँ तो इसलिए मैं अपनी ज, ज, जो यूज़ वाली चीज़ होती है उनको निकाल लेती हूँ जो अनयूज़ होती है उसको ऐसे ही रख देती हूँ तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह सारे फोल्ड कर दिए थे और उसके बाद में फिर मैं आप आ गई किचन में किचन में मैंने भिंडी जो है वो कट करके रख ली थी उसके बाद मैं अभी प्याज और भिंडी जो है मैंने वो कट करके रख ली है और यहाँ पे मैंने सर पे पल्लू इसलिए रखा था क्योंकि मेरे ससुर जी आ गए थे और पूरा दिन मैं आप लोग अगर देखेंगे तो मैं है ना सारी बार मैं अपने सर पे पल्लू रख के रखती हूँ बहुत कम ऐसा रहता जब मैं पल्लू हटाती हूँ तो यहाँ पर मेरी भिंडी जो है वो बन गई है और मैं अभी बनाने वाली शॉर्ट शॉर्टकट में टिंडे की सब्ज़ी तो जब मैंने भिंडी बनाई थी प्याज फ्राई किया तो उसी में से मैंने दो चम्मच जो है टिंडे के लिए निकाल लिया है और इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के ना टिंडे को अच्छे से मिक्स करके कर दूंगी तो अभी यहाँ पे भिंडी मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ वो मैं बता देती हूँ आपको आप लोगों ने सारी रेसिपी तो देख ही ली फिर भी बता देती हूँ सबसे पहले मैंने तेल डाला उसमें जीरा डाला फिर प्याज को भून लिया और उसके बाद में फिर मैंने भिंडी को मिक्स कर दिया और भिंडी के साथ में मैंने हरी मिर्च कट कर ली थी फिर नमक डाल दिया और हल्दी डाल दिया उसके बाद में मिक्स करके अच्छे से उसको ढक के रख दिया पानी मैं नहीं डालती भिंडी में तो यहाँ पे देखो मैंने टिंडे में क्या क्या डाला वो आपको बता देती हूँ शॉर्टकट में जो बनाया वो बताऊँगी जैसे कि भिंडी फ्राई मसाला फ्राई हो रहा था ना तो उसी में से मैंने दो चम्मच प्याज और जीरा जो भुन गया था वो ले लिया उसके बाद हल्दी डाल दी नमक डाल दिया मिर्च डाल दी गर्म मसाला डाल दिया और टमाटर नहीं डालता क्योंकि पापा बोले टमाटर मत डालना मैं बिना टमाटर के खाऊंगा और उसके बाद फिर मैंने इसको चढ़ा दिया फ्राई कर दिया फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने रख दिया इंडक्शन पर तो यहाँ पर मम्मी ने आटा पीस के रख दिया था हमारे घर में आटा खत्म हो गया था तो मम्मी हमारे घर में ना खुद चक्की लगी हुई है मतलब खुद से पीसते आटा तो मम्मी ने पीस के लिया दे दिया तो मैं अभी इसको ना छान के रख दूँ थोड़ी देर तक ठंडा हो जाएगा आटा जब पीसते हैं ना तो वो गर्म होता है तो यहाँ पे पीस के रख दिया और फिर मैं इसको ना दवा दबा के सेट कर रही थी कि मतलब थोड़ा जब पीसते हैं तो फूला फूला सा रहता है तो उसको दबा दिया था मैंने ताकि ढक्कन जो है अच्छे से बंद हो जाए तो अभी मैंने इसको दबा के रख दिया और ढक्कन लगा दूँगी वैसे तो इसमें ना अगर ज़्यादा ज़्यादा स्टोर करके रख लेते हैं क्योंकि गर्म रहता है आटा गर्मी भी पड़ती है तो इसमें सुर्सी वगैरह भी हो जाती है तो हम लोग जो है जितना मतलब वीकली लगता है ना ये जो टंकी आप देख रहे हैं हमारी ये वीकली खर्च खत्म होती है तो यहाँ पे मैंने इसको अभी मैं आटा लगा रही हूँ और जब गरम गरम आटा आप लगाते हैं ना तो थोड़ा ना हाथ में सा करता है और ना रोटी काफ़ी सॉफ्ट बनती है ताज़ी आटा पीसते हैं ना उसकी रोटियाँ बहुत सॉफ़्ट बनती है और मम्मी इसमें बना चना डालती हैं जो डालती है और गेहूँ तो तीन चीज़ का मिश्रण करके मम्मी आटा पीसती हैं तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था उसके बाद मैं अभी क्या कर रही हूँ इनको दूध रखा हुआ था उसको मैं रख दूंगी तो ये दूध जो है इसको मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी और ये मेरा रोज का रहता है मतलब कि जब मैं इवनिंग में काम करने लगती हूँ उसके बाद मैं आटा लगा लेती हूँ सब्जी बना लेती हूँ बर्तन वगैरह जो वॉश करती हूँ उसके बाद फिर मैं सबसे पहले जो काम होता है वो मेरा ये रहता है कि मैं दूध गर्म होने रखूँ दूध गर्म होने में साथ के साथ इसलिए रखती हूँ कि दूध मैं काफ़ी देर तक गर्म करती हूँ डेढ़ से दो घंटे दूध गर्म करती हूँ जिससे काफ़ी अच्छी मोटी मलाई आती है तो इसको ना जितना आप सिन पे गैस पे करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा तो यहाँ पे मैं जब तक रोटी वगैरह बनाती हूँ दोबारा से मैं किचन साफ करती हूँ तब तक ये दूध जो है वो गर्म हो जाता है और थोड़ी बहुत फिर मतलब तो इधर उधर घूम के मतलब जागती हूँ जब तक बच्च खेलता रहता है फिर उसके बाद स्कूल को होमवर्क भी कराना होता है तो काफ़ी सारे काम जो होते हैं वो एक साथ में मैं निपटा देती हूँ तो अभी मैं जल्दी जल्दी जल से सेकने से लगी थी रोटियाँ और रोटियां सेकने के लिए मतलब कि जैसे मैं मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं रोटियां सेकती रहती हूँ और मम्मी मेरी सर्व कर कर करके देती रहती हैं तो इवनिंग का मेरा यही रूटीन रहता और यहाँ पे यक्षसू यह ने मेरे को चिमटा ले के दिया कि उसकी दादी जो है वो जोत जला रही थी शाम को सात बजे वो जोत जलाती है तो वो जोत जला रही थी जोत जलाने के लिए उन्होंने धूप लगाई थी ना तो उसके लिए अंगार बना के ले आते मतलब आग जला के तो उस पर धूप लगा के पूरे घर में फिर वो करती हैं तो यहाँ पे मैंने रोटी सेकने लगी थी और उसके बाद में फिर यक्सु बोला मम्मा मुझे थोड़ा सा आटा दे दो तो मुझे गाड़ी बनानी है तो मैंने इसको थोड़ा सा आटा दिया और इसका हमेशा क्या रहता है मतलब शाम को जब मैं खाना बनाने लगती हूँ तो ये थोड़ा सा आटा जरूर खराब करता ही करता है अब मतलब बच्चों को होता है ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो आटे से खेलते ही हैं चाहे आप कितना भी कर लेना तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेक ली थी और मेरी रोटियाँ जो वो सारी फिनिश हो चुकी है मतलब बना ली मैंने सारी रोटियाँ और हमेशा की तरह देखो स्लिप पे आज फिर से आटा मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि स्लिप पर मेरे से आटा ना गिरे लेकिन फिर ही फिर भी मुझसे गिर ही जाता है और यहाँ पर ना मतलब जैसे मैं रोटी बनाती हूँ सबके लिए बनाती हूँ उस हमारे घर में जो चार पाँच लोग हैं सबकी की रोटियाँ बनाती हूँ तो फिर उसके बाद चार पाँच रोटी मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ क्योंकि हमारे मैंने पहले आपको बताया था शायद कि मेरे घर के बाहर ना डॉगीज बैठते हैं तो उनकी मैं रोटियाँ सेकती हूँ तो यहाँ पर मम्मी आई थी पापा के लिए ले रोटी लेने के लिए और मैं कुछ बोल रही थी हाँ तो जैसे कि बाहर किचन के बाहर ही है ये जो हॉल जिसमें आप देख देखते हो दादी बैठी हुई है टोकरी लेके तो ये किचन के बाहर अगर कोई कुछ बोलता है तो वो मुझे सुनाई देता है तो अगर मैं सुन ली हूँ और कुछ गलत है तो उसका जवाब मैं ज़रूर देती हूँ तो यहाँ पे मेरी मम्मी इसलिए ही हँसरी थी कि तू बीच में मत बुला कर तो अभी मैंने खाना खा लिया किचन साफ़ करूंगी किचन साफ़ करने से पहले मैंने भिंडी जो बच गई थी उनको कटोरे में निकाल कर रख दिया और टिंडे की सब्जी तो यहाँ पर ना ये जो क्या बोलते हैं बर्तन जो मैंने स्टार्टिंग में वॉश किए थे इनको मैं रख दूंगी रैक में क्योंकि ये टोकरी मुझे चाहिए होती है और जो आप छोटी टोकरी देख रहे हैं ना एक कमेंट आया था कि आप ये छोटी टोकरी बहुत अच्छी लगती है तो ये भी मैंने गली में से ही परचेज़ की थी और ये टोकरी ना मतलब एक साथ मैंने दो ली थी तो ये ना मुझे बीस बीस रुपए की मिली थी और काफ़ी अच्छी है, मतलब इसमें तीन चार किलो का सामान आप आराम से रख सकते हैं तो इतनी बड़ी टोकरी है मतलब आलू प्याज आपको जो भी रखना है चार से पाँच किलो इसमें बन जाता है तो ये टोकरी बहुत अच्छी थी मुझे अच्छी और इसके ना डिज़ाइन भी अच्छा लगा था मुझे इसलिए मैंने ले ली तो अभी मैं जल्दी से डिनर के बर्तनों को वॉश कर दूंगी मेरे घर में बर्तन जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा निकलते हैं मतलब मैं तीन दो तीन बार बर्तनों को वॉश करती हूँ सुबह भी जब मैं शाम को मैं रोटी बनाने लगती तो चाय पानी के होते हैं सेम ऐसे ही मॉर्निंग में भी होते हैं चाय पानी के हो जाते हैं उसके बाद फिर डिनर खाने के बर्तन हो जाते हैं फिर ये लोग दिन में कुछ ना कुछ खाते हैं उसके बर्तन हो जाते हैं तो इसलिए फिर मैं इनको साथ के साथ में मतलब वॉश करती रहती हूँ मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ना किचन गंदा अच्छा नहीं लगता और यहाँ पे मेरे मटक ने साफ भी जब तो मैं काम करती रहूँगी कैमरा लगा रहेगा ऐसे ही मटकता रहेगा और ना यहाँ पे आ, तो अभी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बर्तनों को वॉश करूँगा मैं पता नहीं क्या बोल रही थी एक बार मैं भूल गई हाँ मैंने उसको ना काम करने के लिए दिया मैंने बोला मैं जब तक किचन साफ़ करके आते तू ना बैठ के काम कर ले तो वो काम नहीं करता मतलब बार बार किचन में भाग भाग के आता है मम्मा ये ऐसे हो गया मम्मा ये ऐसे हो गया जब तो तक मैं उसके साथ में नहीं बैठूंगी तब तक वो काम नहीं करेगा तो यहाँ पे मेरा सारा काम जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है तो अभी मैं गैस पे कपड़ा मार मेरा लास्ट काम जो डेली का यही रहता है कि मुझे गैस पे कपड़ा मारना है मैं रात को ना किचन हमेशा नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ जैसे आप सुबह मॉर्निंग में कभी ऐसा होता है कि पूजा वगैरह सामान बनाना हो माम मावस वगैरह का तो आप इजीली बना सकते हैं तो इसलिए मैं अपने किचन को हमेशा साफ करके सोती हूँ और जो पूरा काउंटर वाउंटर सब पे सब कपड़ा मार दी पहले आप लोगों ने देखा था फ्रिज पे भी मैं कपड़ा मारती थी लेकिन अभी फ्रिज पे मैंने जो है कवर लगा दिया तो कवर जो मैं वीकली वॉश करूँगी डेली वॉश तो होगा नहीं तो यहाँ पे मैंने सारा काम कर दिया था तो अभी मैं अपने लिए जो है मेहंदी भिगो के रखती हूँ कि मैं सुबह मेहंदी लगा लूँ मेरे ना आगे आगे सब बाल जो है बहुत ज़्यादा वाइट हो गए और वाइट होने के साथ साथ गर्मी जो होती है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है मेरा सर ना हर टाइम गर्म रहता है इसलिए मैं मेहंदी लगाती हूँ तो यहाँ पे एक सूप बोल रहा था तो मैं इसको चुप करवा रही है ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ बोलता रहता तो मैं ना कई बार इरीटेट हो जाती हूँ इस पर चिल्ला भी देती हूँ इसको डांटती भी हूँ तो अभी देखना ये मैं मेहंदी <laughs> ये देखो कैसे नाचना है मैं मेहंदी घोल के रख दूँगी फ्रिज में इसको बाहर नहीं रखूँ मतलब बाहर ओपन करके रखूँगी जब मैं सुबह सो के उठूँगी ना तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगी दो तीन घंटे के लिए भैया बाहर रखी रहेगी और फिर यहाँ पर मुझे प्यास लगती थी तो मैंने कहा पानी पी लेती हूँ ऐसे पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए लेकिन मुझे पी लेते जब ध्यान आता कि पानी तो मुझे बैठ के पीना था खड़े होकर पानी नहीं पीना था तो ये देखो यक्सु जो है अभी स्लेब पर बैठ गया और मैं इसका दूध बना रही हूँ फ्रेंड्स है ना तो इसको मैं लास्ट में जो है दूध बना के दे देती हूँ दूध पीता है बोनविटा डाल कर थोड़ा सा पीता तो अभी मैं इसके लिए मलाई ले रही थी तो यहाँ पर मैं इसको मलाई डाल के ना फिर बोनविटा का दूध दूंगी और बस बहुत कम पीता लेकिन मैंने मलाई वलाई डाल के इसकी थोड़ी सी आदत लगा दी कि हाँ ये दूध पी रही पीछे से मेरी कुर्ती भी खींच रहा है देख रहे हो आप लोग इसका इतना बहुत शैतान क्या ही बताऊँ मैं तो यहाँ पे मैंने इसके लिए दूध बना लिया और थोड़ा सा एक चम्मच के करीब मैंने इसमें बोनविटा मिक्स कर दिया और इसको फिर अब मैं लेके जाऊँगी अपने रूम में और इसको आराम से बिठा के पिलाऊंगी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना शेयर कर देना और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके फ्रेंड्स तो अभी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स बाय